जनता भी चाहती है। सभी एक बात से आप लोग मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, और मैं कहूंगा जो राम जन्मभूमि का विषय जिसको पूर्ण रूप से राजनीतिक, हमारे पूरे विश्व में लगभग 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों को ये पता ही नहीं है कि वस्तुतः राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़े का नारा चला रहे थे भाई, उसकी जितनी भी पहले भी निर्मोही अखाड़े राम क्षेत्र पोजिशन रामास भगवान रामास पोजिशन अंडर द जुडिशरी एंड गवर्नमेंट वी कांट रियलाइज फ्रॉम आवर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वी चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम आवर भारतीय संस्कृति बेस्ड एजुकेशन सिस्टम वांट टू प्रोटेक्ट आवर संस्कृति एंड आवर लाइफ वी कैन फर्स्ट वी चेंज जो विरोधी कांग्रेसी वो भी चाहते हैं ये राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं चाहते तो राजीव गांधी उसके ताला नहीं खुलवाते। सुनना, परंतु समस्या कहाँ है? समस्या यही है, इसका श्रेय किसको मिले? इसका श्रेय कांग्रेस को ना मिले, इसका श्रेय बीजेपी को ना मिले, इसमें फंसा हुआ है। और हमारे जो विरोधी हैं वे चाहते हैं ये हिंदू आपस में लड़ते रहें और हम लोग अपने सत्ता अपने किशोर दवे गुजरात से धर्म संसद में आ पाए हैं जी, बिल्कुल दूसरा दिन है, क्या आज का चर्चा है? आज राम मंदिर के विषय पर चर्चा चल रही है, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना ही चाहिए ऐसा सभी का मत है, लेकिन किस प्रकार से बने इस विषय में सबके सुझाव मांगे जा रहे हैं। क्या लगता है मंदिर बनेगा? बिल्कुल मंदिर बनेगा, मंदिर बनना ही चाहिए। मंदिर बनाने के लिए आज तक हमने संग्राम किए हैं, और एक दो नहीं आज तक 76 संग्राम हो चुके हैं, ये 77वां संग्राम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाबर के समय में 4 बार संग्राम हुए, उसके बाद हुमायूं के समय में 10 बार संग्राम हुए, अकबर के समय में 20 बार हुए, औरंगजेब के समय में 30 बार हुए, नवाब शहजाद अली के समय में 5 बार हुए, नासिरुद्दीन के समय में 3 बार हुए, वाजिद अली के समय में 2 बार और अंग्रेजों के समय में 2 बार हुए। ये 77वां संग्राम चल रहा है, और 77वें संग्राम में 1885 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार दिया, मुसलमानों को भी दिया, और दोनों ने उनको शुरू कर दिया और दोनों को लड़वा कर रख दिया। उसके बाद से ये मंदिर की प्रथा बंद हो गई और दूसरे लोग उसमें घुस गए, और उसके बाद 1992 में इसको तोड़कर वो बात समाप्त हो गई। लेकिन सरकार की मंशा लगती है कि बन जाएगा? सरकार बनाने वाली नहीं है, ना कभी बनाएगी। सरकार बिल्कुल वोट के लिए राजनीति कर रही है। सरकार कभी मंदिर बना भी नहीं सकती, और सरकार से मंदिर बन ही नहीं सकता। सरकार कैसे मंदिर बना सकती है? ये सरकार भिन्न सांप्रदायिक सरकार है, हमारा संविधान है, वो न मस्जिद बना सकती है न मंदिर बना सकती है। सरकार के पास कोई पावर नहीं है, वो भूमि अधिग्रहण कर सकती है, मंदिर नहीं बनवा सकती। सोमनाथ का मंदिर बनाया सरदार पटेल ने, तो सरकार ने नहीं बनाया, सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने पैसे लोगों से एकत्रित किए और फिर सोमनाथ का मंदिर बना। बिना सांप्रदायिक सरकार कैसे कर सकती है? ये तो उनके संविधान के खिलाफ है। इसलिए सरकार मंदिर बनाएगी ये भ्रम है, और केवल हिंदुओं को भ्रम में डाला जाता है और वोट लेने के लिए राजनीति की जाती है। भाजपा हिंदू द्रोही है, ये बात